का जो सेकेंड पार्ट है उसको हटा दिया है मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा रिड्यूस डाउन हो गया है और हमको अब सिर्फ हेरिडिटी वाला पार्ट पढ़ने की ही नीड है सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले अगर हम देखें जेनेटिक्स क्या होते हैं सो so, जेनेटिक्स को हम डिस्क्राइब करते हैं जिसमें हम पूरी स्टडी करते हैं अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन अब हेरिडिटी क्या होती है जो कैरेक्टरिस्टिक्स मे को मेरे पेरेंट्स से पास ऑन हुई होंगी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को मेरे पेरेंट्स की एज इट इज़ मिली होंगी मे बी बिहेवरल मे बी अपियरेंस में मे बी फिजिकल मे बी मेंटल तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी कैरेक्टर्स और ट्रेट्स मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रेट्स मे को मेरे पेरेंट्स से मिली है मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मिली है मतलब फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग पास हुई हैं उनको हम बोलेंगे हेरिडिटी फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मा की आइज़ ग्रे कलर की हैं तो प्रॉबिलिटी है कि मेरी आइज भी ग्रे कलर होंगी मेरी आइज अगर ग्रे कलर की ही हुई तो वो मेरी हेरिडिटी है मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक वो ट्रेट मेरे को मेरी मम्मा से पास ऑन हुई है मतलब क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास हुई है जैसे कुछ पेरेंट्स टॉल होते हैं तो उनके बच्चे भी टॉल होते हैं मतलब पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक टॉल वाली रेट पास ऑन हुई है तो इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं अब जैसे डायबिटीज होती है बहुत कॉमन है एंड ये यूजुअली पास ऑन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डायबिटीज़ है बीपी है, है मतलब ये हेरिडिटी में है जैसे दादू को होगी तो पापा को होगी पापा से फिर जनरेशन पास होगी नेक्स्ट मतलब उनके बेटे को भी होगी तो जनरेशन टू जनरेशन जो चीज़ पास हो रही है वो हेरिडिटी होगी अब ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे मम्मा पापा हैं वैसे ही डिट्टो बच्चा हो कुछ वेरिएशंस भी आएंगे कुछ डिफरेंसेस भी आएंगे तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं वेरिएशंस द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स और ट्रेड्स बिटवीन द पेरेंट एंड द ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड वेरिएशन मतलब हम सब किसी न किसी तरीके में एक दूसरे से तो अलग है ही है वही चीज़ हम सबको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है मतलब मेरे जैसा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसी की सेम होंगी कुछ कुछ फिजिकल अपियरेंस किसी के सेम होंगे बट एग्जैक्ट कॉपी एग्जैक्ट बिहेवियर को रेप्लीकेट करने वाला नहीं होगा इवन ट्विंस जो होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं तो वेरिएशन शो होता ही होता है तो हम सब अलग हैं एंड वही चीज़ हमें स्पेशल बनाती है वही चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएशन जो डिफरेंस होते हैं उनको हम वेरिएशन से रेफर करते हैं एंड जो चीज़ पास ऑन होती है मतलब ट्रांसमिट होती है उसको हम बोलते हैं हेरिडिटी अब हमारे पास है अक्यूबलेन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की जब प्रोसेस होगी तो वेरिएशन के क्या चांसेस हैं एंड हेरिडिटी के क्या चांसेस हैं सबसे पहले व्हेन द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग शो माइनर वेरिएशंस वही चीज़ जो अभी मैंने बताई कि मेरी मम्मा और मेरे में एग्जैक्ट सिमिलैरिटीज़ नहीं होंगी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा भले आप बोलो बिहेवियर पूरा सेम है एंगर पॉइंट सेम है कुछ चीज़ अलग हो ही जाएगी एक मे बी नेचर में कुछ डिफरेंस आ जाएगा मे बी कहीं पे कुछ डिफरेंस आ जाएगा अपियरेंस में कुछ डिफरेंस आ जाएगा एग्जैक्ट सेम कोई भी नहीं हो सकता एंड उसी को हम वेरिएशन बोलते हैं और ये क्यों होती हैं क्योंकि हमारे डीएनए में इन एक्यूरेसीज़ है इन एक्यूरेसीज़ मतलब क्या यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं है हमारे डीएनए में एक्यूरेसी नहीं है और इसी की ही वजह से वेरिएशन आते हैं, क्योंकि हमारी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है डीएनए में और यहाँ पे डीएनए की जो कॉपिंग हो रही है मतलब डीएनए के जो फेजेस में रेप्लिकेशन होता था वो भी इनएक्यूरेट होता है किसी न किसी लेवल पर तभी ये वेरिएशन आ जाता है अब दीज वेरिएशन आर लेस इन ए रिप्रोडक्शन एंड मोर इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या ये जो डिफ्रेंसेज होते हैं ना ये ए रिप्रोडक्शन में लेस होते हैं और यहाँ पे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में मोर होते हैं अब इसका रीज़न क्या ए रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज़ इन्वॉल्व तो ये वन पेरेंट की ही कैरेक्टरिस्टिक आगे पास होगी बट वहीं पे अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं मतलब प्रॉबिबिलिटी 50 50 दोनों पेरेंट्स के पास होती है ऑफस्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक के लिए मतलब क्या कि यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मेल गैमिट की जाएगी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फीमेल गैमिट की जाएगी एंड वो मिक्स एंड मैच होके हमारा ऑफ स्प्रिंग बनेगा मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल अपियरेंस पूरी पापा पे हो या मतलब मेल गैमिट पे हो एंड पूरी जो बिहेवियर होता है या पूरी जो पर्सनालिटी वाइज जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेंटली वो मे बी मम्मा पे हो तो यहाँ पे या तो पूरा पापा पे भी जा सकता है पॉसिबिलिटी है पूरा मम्मा पे भी जा सकता है या दोनों की कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स मैच होके वेरिएशन क्रिएट कर देती है तो वेरिएशन जो होते हैं वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम होते हैं उनकी चांसेस कम होती है क्योंकि पेरेंट ही वन है ना तो ऑप्शन वन ही होगा मतलब ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स वही जाएंगी एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि पेरेंट्स टू हो जाते हैं तो चांसेस बिग मैच करने की ज़्यादा हो जाती है वहीं पे सम वेरिएशंस आर यूजफुल वेरिएशंस एंड दे हेल्प ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट टू द चेंज इन दी एनवायरमेंट अब वेरिएशन जरूरी ही नहीं है नेगेटिव हो ये हमें काम भी आते हैं कभी कभी एंड सम वेरिएशंस डू नॉट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट इन द चेंज इन द एनवायरमेंट एंड दे मे डाई एंड बिकम इंस्टिंग तो यहाँ पे अगर क्रॉस ब्रीड वेरिएशन हो गया क्रॉस ब्रीड रिप्रोडक्शन हो गया तो मे बी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट से आई कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेल से आई कुछ फीमेल से आई तो उनका क्या हुआ मिक्स एंड मैच हुआ अब वो जो न्यू ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक आई है वो उस ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट में सेम नहीं रही होंगी तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है एक्सटिंक्ट हो सकता है क्योंकि उसकी जो मेन स्पेशल क्वालिटी थी वही उनसे ले ली गई क्योंकि आधी फादर से आई आधी, आधी मदर से आई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मिक्स एंड मैच हो गया तो हमारे जो वेरिएशन है ना वो भी दो टाइप के हैं सबसे पहला है सोमैटिक वेरिएशन और फिर है जेनेटिक वेरिएशन नेक्स्ट अगर हम बात करें हेरिडिटी की तो हेरिडिटी की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो ट्रेड्स, मतलब क्या वो क्वालिटीज़ जो सीधा सीधा पास ऑन होती हैं सीधा सीधा ट्रांसमिट होती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू देर ऑफस्प्रिंग। मतलब क्या पेरेंट से उनके बच्चे तक जो कैरेक्टरिस्टिक्स सीधा सीधा पास ऑन होती है उनको हम हेरिडिटी बोलते हैं और जो डिफरेंसेस होते हैं जो चीज़ें पास ऑन नहीं होती जो डिफरेंसेस होते हैं पेरेंट में और में उनको हम वेरिएशन बोलते हैं तो अब ये जो ट्रेट्स हैं ये जो क्वालिटीज हैं ये दो तरीके की हो सकती है मे बी दे आर अक्वायर्ड और मे बी दे आर इनहेरिटेड इनहेरिटेड ट्रेट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अ चाइल्ड बेयर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन बींग न्यू बॉर्न बच्चे में एक इन्फेंट में एक इंसान की हर क्वालिटी होती होती है हाउ एवर इट डज नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक इट्स पेरेंट्स तो उसमें इंसानों वाली क्वालिटी तो होती है कि दिखता है ना हमें दो हाथ है दो पैर है दो कान है एक नाक है तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि वो इंसान तो है सेम स्पीशी की बात हो रही है वो इंसान तो है बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दे मे नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक दे पेरेंट मतलब क्या जब मैं बेबी थी तो मैं अपने पेरेंट की जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती थी नेसेसरी नहीं है साइज डिफरेंस भी है फीचर्स डिफरेंसेस भी हैं बिहेवियर डिफरेंस भी है तो बहुत सारी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती है मेरे पेरेंट्स में और मुझ में एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट वेरिएशन तो सबसे जो आबादी वाली स्पीशी है हमारे प्लानट पे वो ऑफकोर्स यहाँ पे हमारे प्लानट पर जो सबसे आबादी वाली स्पीशी है वो ह्यूमन ही है अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे जितनी स्पीशी के टाइप्स हैं उतनी स्पीशी के वेरिएशन हैं मतलब क्या कि जब रिप्रोडक्शन होगा जब मिक्स मैच होगा तो आउटपुट बहुत डिफरेंट बनेगा एंड हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है तभी यहाँ पे वेरिएशन भी ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास नंबर भी ज़्यादा है जैसे अगर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या था कि वेरिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम होते हैं क्योंकि एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसी पेरेंट की होंगी या थोड़े बहुत वेरिएशन आएंगे तो आएंगे बट यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मा से आएंगी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पापा से आएंगी मे बी बिहेवियर वाइज मैं पापा पे हूँ एंड लुक वाइज मैं मम्मा पे हूँ या वाइसा वर्सा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहे हैं अब जो मेरे के नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी होंगी एंड कुछ मेरे पार्टनर की होंगी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ़ पेरेंट बहुत ज़्यादा है मतलब क्या कि पेरेंट का नंबर ज़्यादा है तो क्वालिटीज़ इंटरचेंज होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है एंड ये क्यों हो रहा है क्योंकि इन एक्यूरेसी है हमारे डीएनए में हमारे डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा उसमें भी क्या है इन एक्यूरेसी है जिसकी वजह से न्यू ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक्स जाएंगी ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होंगी अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स हैव फ्री लोब्स ये डोमिनेंट ट्रेट है मतलब क्या है कि ये मोस्ट कॉमन ट्रेट है मतलब तभी इसको हमने डोमिनेंट ट्रेट बोला है और बहुत कम इंडिविजुअल्स के पास होती है अटैच्ड लोब्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मेरा दिखाऊं तो ये मेरा लोब इनसे अटैच्ड है तो ये क्या है एक रिसेसिव ट्रेट है मतलब ये एक रेयर ट्रेट है जो एक जो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाती एंड बहुत लोगों के पास क्या होती है फ्री एयरलोम्स होते हैं फ्री एयरलोम्स मतलब कि ये जो अटैचमेंट होती है चीक से या स्किन से ये यहाँ पे नहीं होती तो ये चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है विच इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट मतलब हमारी स्पीशी में ये ट्रेड डोमिनेंट है मैक्सिमम लोगों को होती है एंड अटैच्ड एयरलोम्स वाली जो ट्रेड है वो रिसेसिव होती है मतलब क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई ज्यादा अनेबल टू एक्सप्रेस मतलब इस ट्रेट ने खुद को एक्सप्रेस नहीं करा तो ये रिसेसिव ट्रेट है जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाई और जिसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया वो है डोमिनेंट ट्रेट मतलब क्या वो ट्रेट खुद को एक्सप्रेस कर पाए एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई एज़ कम्पेयर टू दिस मतलब जो चीज़ शो हो गई वो है डोमिनेंट एंड जो चीज़ शो नहीं हो पाई वो है रिसेसिव जैसे अगर हम एग्जांपल लें एक पेरेंट का तो उसमें फादर टॉल है और मदर क्या है शॉर्ट है फादर है फॉर एग्जांपल फादर की हाइट होगी कुछ सिक्स फीट है ना फादर की हाइट है सिक्स फीट और मदर की हाइट है फाइव फीट फोर इंचेस है ना फाइव फीट फोर इंचेस तो अब इनका जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसकी अगर हाइट अच्छी हुई अगर उनकी हाइट फॉर एग्जांपल फाइव एट हो गई या फाइव नाइन हो गई तो यहाँ पे टॉल वाली ट्रेट क्या हो गई डोमिनेंट हो गई मतलब क्या जो ट्रेड खुद को एक्सप्रेस कर पाए वो ट्रेड डोमिनेंट हो गई और जो ट्रेड खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाई वो रिसेसिव हो गई अब अगर ये फादर थे थिन थे मतलब क्या थे पतले थे और ये मम्मी थी मोटी थी है ना तो अगर इनका बच्चा भी मोटा हुआ तो उसमें इनकी जो ट्रेड थी वो डोमिनेंट हो गई हेल्दी होने वाली और ये जो ट्रेड थी वो रिसेसिव हो गई पतले होने वाली तो जो ट्रेड ऑफस्प्रिंग में खुद को एक्सप्रेस कर पाती है मतलब क्या जो ट्रेट ऑफ स्प्रिंग में एक्सप्रेस होती है जो हमें दिखती है वो होती है हमारी डोमिनेंट ट्रेट और जो नहीं होती है वो होती है हमारी रिसेसिव ट्रेट तो यहाँ पे हमने अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पढ़ ली वो है डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट अब इसी पे पूरा डिपेंडेंट है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड पूरा वो जो कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है मतलब ये बेसिक थ्योरी थी अब नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा इस चैप्टर का पूरा मेन कॉन्सेप्ट जिसके लिए आपको हमारे चैनल का बेल नोटिफिकेशन दबाना पड़ेगा ताकि जैसे ही वो वीडियो आउट हो आपके पास पॉप अप आ जाए एंड आप बिना डिले वो वीडियो देख के अपने डाउट्स क्लियर कर पाओ सो so डेफिनेटली आपको सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा एंड अगर आपकी भी कोई चैप्टर रिकमेंडेशन है जो हमें इस चैप्टर के बाद स्टार्ट करनी चाहिए डू अस नो एंड हम लोग उस पर भी डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे सो स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग